करने वाला हूँ। यहाँ मेंढर में जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बहुत कमियाँ हैं। यहाँ तकरीबन बॉर्डर पे तकरीबन गोलाबारी होती रहती है। यहाँ लोग जितने भी शिफ्ट करते हैं, जिसको ज़्यादा चोट आ जाती है उसको डॉक्टरों की वजह से, यहाँ हड्डियों का डॉक्टर भी कोई नहीं है, यहाँ इंतज़ाम भी इतना कोई नहीं है, डिजिटल एक्सरे भी कोई नहीं है, एक तो जनरेटर की भी बहुत कमी है, लाइट मेंढर में तकरीबन कभी कम बहुत कम होती है, तो लाइट की भी परेशानी की वजह से लोगों को काफ़ी दुख सामना करना पड़ता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए डॉक्टरों के पास अगर चले जाओ तो डॉक्टर फौरी तौर मरीज को जम्मू रेफ़र करते हैं। सरकार से यही डिमांड करते हैं कि सर यहाँ तकरीबन डिजिटल एक्सरे होने चाहिए और डॉक्टर होने चाहिए, हड्डियों के डॉक्टर भी होने चाहिए, जनरेटर 24 घंटे होना चाहिए ताकि लाइट की वजह से लोगों को कोई परेशानी ना हो। बात यह है कि यहाँ किसी किस्म की हमें फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास नहीं है, और कोई मशीनरी भी नहीं है। जैसे दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कोई डिजिटल एक्सरे की मशीन नहीं है हमारे पास, कोई यहाँ फैसिलिटी नहीं है और यहाँ जनरेटर नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को, आपको पता ही है कि यहाँ कितनी गोलाबारी हो रही है। तो मैं तो गुजारिश करूँगा मंत्री साहब से कि बॉर्डर एरिया है, ऐसे बॉर्डर एरिए में हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें हर फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जब भी गोलाबारी होती है तो यहाँ से जब आदमी जख्मी हो जाता है तो हड्डियों का कोई डॉक्टर नहीं है। इस पेशेंट को जब यहाँ से रवाना करते हैं जम्मू या रजौरी में और जाते बीजी गली उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ वैसे भी अगर 3 तहसीलें हैं, ये हमारी जो मेंढर है वैसे तो डिस्ट्रिक्ट के लायक है, 3 तहसीलें ऑलरेडी यहाँ पे बनी चुकी हैं, लेकिन किसी किस्म की फैसिलिटी हमारी मेंढर में खास तौर पर डॉक्टरों की हमें सख्त किल्लत है। हमारा जो ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर है, इसमें असिस्टेंट सर्जन की 8 पोस्ट हैं, 8 में से इन पोजीशन 4 हैं और 4 वैकेंट पड़ी हुई हैं। जैसे हमारा फील्ड है मेंढर तहसीलपुरी, उसमें हमारे पास डॉक्टर की जो पोजीशन है वो 22 डॉक्टर चाहिए हमें सभी PAC AD वगैरह चलाने के लिए, उसमें से भी 3 डॉक्टर इन पोजीशन हैं और 19 डॉक्टर्स की पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी जो ये 19 पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं उसमें से जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, न्यू टाइप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से मैन पावर है, ऐसा नहीं है कि ये खाली पड़े हुए हैं, 19 रेगुलर साइड से पोस्ट खाली हैं। थोड़ा है इसमें, हमें एक जनरेटर चाहिए डीजी सेट 35 KV 3 फेज, जिसके लिए एक दो बार हमने ऊपर लिखा है, तो साथ में एक डिजिटल एक्सरे हमें मिल जाता है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा होता है, उसके लिए भी प्रोजेक्ट किया हुआ है।